मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और पोर्शे जैसी लग्जरी कार बनाने वाली कंपनियां धीरे धीरे भारत में अपनी जगह बनाने लगी हैं। ऑडी, जिसकी शुरुआती कीमत ही कुछ 35 से 40 लाख है, ने दावा किया है कि इस साल वो भारत में 10,000 से ज्यादा लग्जरी कारें बेचेगी। कार खरीदें या ना खरीदें, इनके बारे में जानने की चाहत तो रहती ही है। कंपनियां इन कारों को और बेहतर और आरामदेह बनाने में लगी हैं। आने वाले दिनों में कारें इतनी स्मार्ट हो जाएंगी कि ये भी पता कर लेंगी कि ड्राइवर कहीं थक तो नहीं गया। ऐसी कारें भी होंगी जो खुद ही चलेंगी। आप आराम से अखबार पढ़िए, अपने ईमेल चेक करिए। कारों की दुनिया लगातार बदल रही है। अब ये कैमरा, सेंसर और रडार के साथ आने लगी हैं। कारों ने तो अब देखना और सुनना भी सीख लिया है। डिजिटल नेटवर्क ने कारों की दुनिया को बहुत इंटेलिजेंट बना दिया है। ड्राइवरों के लिए अब कार चलाना कोई काम नहीं बल्कि आराम बनता जा रहा है। सुरक्षित तरीके से ड्राइविंग, साथ वाली कार नजर नहीं भी आ रही है तो भी उन्हें अब चेतावनी मिल सकती है, या अगर कार ट्रैक को छोड़ने लगती है तो स्टीयरिंग कांपने लगता है, यानी ड्राइवर को संदेश जाता है कि वो कार को वापस अपनी ट्रैक पर ले आए। अब तो कारें ये भी समझने लगी हैं कि ड्राइवर कब थक गया है। थकान को समझने वाला मुख्य सेंसर स्टीयरिंग एंगल सेंसर है। हम ड्राइवरों को उनके बैठने के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, क्योंकि हर ड्राइवर अलग तरीके से बैठकर गाड़ी चलाता है। अगर आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं और सिस्टम समझ रहा है कि आप थक गए हैं, तो पहले फौरन चेतावनी नहीं दी जाती थी, लेकिन अब सिस्टम को नेविगेशन से जोड़ दिया गया है और नेविगेशन को पता है कि कुछ ही किलोमीटर बाद आराम करने की जगह है। अब हम फौरन ड्राइवर को चेतावनी देते हैं कि वह रेस्ट स्टॉप पर पहुंच जाए। कलपुर्जे बनाने वाली कंपनी कॉन्टिनेंटल शहरी ट्रैफिक के लिए एक इमरजेंसी ब्रेक पर रिसर्च कर रही है। इस प्रयोग में दिखता है कि कार किस तरह खतरे को भांप लेती है, और भले ही 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही हो, टकराने से पहले कड़ा ब्रेक लगाती है। लेजर और कैमरे से ये तकनीक और बेहतर हुई है। जरा सोचिए कि सिस्टम अगर बहुत पहले एक्टिव हो जाए तो हो सकता है कि ड्राइवर झुंझला जाए कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास बचने का मौका था या खुद ब्रेक लगाने का चांस था। इसलिए आपको देखना है कि सिस्टम को किस तरह से फाइन ट्यून किया जाए, ताकि ये तभी ब्रेक लगाए जब ड्राइवर के पास किसी हादसे को रोकने का कोई चारा न बचे। जो सुविधाएं अब तक महंगी कारों में थी, उन्हें अब कम दाम वाली कारों में भी लगाया जा रहा है। कार ड्राइवरों के संग एडीएसी का मानना है कि तकनीकी मदद के बाद कार हादसों में कमी आई है, लेकिन उसकी चेतावनी है कि बहुत ज्यादा तकनीक से ड्राइवर पर जरूरत से ज्यादा बोझ पड़ता है। ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम ड्राइवर की सहायता और संकट के वक्त उसकी मदद के लिए बनाया गया है। खास ख्याल रखने वाली बात है कि इसकी वजह से उसका ध्यान नहीं भटकना चाहिए, जैसे कि बहुत ज्यादा चमकने वाली बत्ती नहीं लगानी चाहिए, मोड़ते वक्त इंडिकेटर ऑन करने पर बहुत आवाज नहीं होनी चाहिए कि ड्राइवर सिस्टम में ही उलझ कर रह जाए। ध्यान भटकाने वाली सबसे खतरनाक चीज स्मार्टफोन। इससे बचने के लिए कार को इंटरनेट से जोड़ना होगा। मिसाल के तौर पर कारों में एप्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं, इंटरटेनमेंट से लेकर सुरक्षा तक के एप्स। ब्रिटेन की लग्जरी कार बेंटली ने बिजनेस क्लास के ग्राहकों के लिए ऐसी कार पेश की है जो चलता फिरता दफ्तर है। इसमें इंटरनेट भी है और ऐसा रिमोट भी जिससे पिछली सीट पर बैठे बैठे सामने का रेडियो ऑपरेट हो सकता है। ऐसा इसलिए कि आप लग्जरी ड्राइविंग कर रहे हैं, स्टीयरिंग एक ड्राइवर संभाल रहा है और आप पीछे आराम से बैठे हैं। कंपनी ने इस ब्रांड का नाम दिया है इंडिपेंडेंट ड्राइविंग। और बिना ड्राइवर वाली कार पर तो लंबे वक्त से रिसर्च चल रही है। कार को सेंसर और रडार से चलाने की कोशिश की जा रही है, जिसे भारी भरकम डेटा के साथ तालमेल बिठाना होगा। हालांकि इंसान अब भी कार से बेहतर है।
और इंटेलिजेंट कार की ड्राइविंग में वो लुत्फ कहाँ जो अपनी ड्राइविंग में है।